तो देखो गाइज, मैंने वन टैप हेडशॉट की बहुत सारी वीडियो बनाई होगी, बट फिर भी आपके वन टैप हेडशॉट नहीं लग रहे होंगे। हाँ। अगर लग रहे होंगे तो किसी एक गन से लग रहे होंगे, हर एक गन से नहीं लग रहे होंगे। बट आज जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, इसमें अगर आप कोई भी गन चलाओगे, SMG वाली कोई भी, हर एक गन से आपके हेडशॉट लगेंगे। और मैं सच बता रहा हूँ, हेडशॉट की रियल ट्रिक यही है। वन टैप हेडशॉट की रियल ट्रिक यही है। इस वीडियो की जगह ना मैं दूसरी वीडियो डालने वाला था, बट फिर मैंने सोचा कभी यार कोई और यूट्यूबर इसको बता दे, तो उससे पहले ही मैं बता दूं, ठीक है? बड़ा हरामी हो। तो यार जिसने भी इसको मिस कर दिया भाई, उसने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और लाइक करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। अगर ये ट्रिक आपके लिए वर्किंग रहती है तभी आप लाइक करना, वरना मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, वन टैप हेडशॉट मारने के लिए बेसिकली गाइज आपको तीन चीजों का पता होना चाहिए, एनिमी पोजीशन, एम एंड फायर बटन। तो एनिमी पोजीशन के ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी एम के ऊपर बात करते हैं। जो आपका एम है वो गाइज आपका कभी भी वाइट नहीं होना चाहिए। जब गाइज आपका एम रेड हो जाए तभी गाइज आपको फायर करना है। मेरा मतलब है कि जब भी गाइज आप किसी एनिमी को मार रहे हो और आपका एम इधर उधर है, तो सबसे पहले आपको अपने एम को उसके हेड लेवल पे रेड करना है, ठीक है? जैसे उसके ऊपर रेड हुआ उसी टाइम आपको फायर करना है, ठीक है? इसके बाद आता है फायर बटन। फायर बटन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। तो बहुत सारे बंदे ना इसको रोटेशन ड्रैग करते हैं, एंड मैं भी आज तक रोटेशन ड्रैग ही मारता था, जिससे हेडशॉट तो लगते थे बट मेरी एक्यूरेसी की ऐसी तैसी हो चुकी थी। तो इसको ट्रैक करने का सही तरीका क्या है? जैसे गाइज आपका एम एनिमी को ऊपर रेड हुआ, तो गाइज आपको अपने फायर बटन को सीधा उसकी हेड की तरफ ड्रैग करना है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और ड्रैग करने का भी एक तरीका है, आपको अपने फायर बटन को ऊपर से या बीच में से पकड़ के अगर ड्रैग करोगे तो बिल्कुल भी हेडशॉट नहीं लगने वाला। तो आपको अपने फायर बटन को हमेशा यहाँ से, देखो यहाँ से नीचे से यहाँ पर आपको अपने थंब को रखना है और फिर सीधा ऊपर ड्रैग करना है। तो कसम से बता रहा हूँ, आपका हर शॉट हेडशॉट लगने वाला है। और गाइस, फायर बटन की परफेक्ट पोजीशन एंड साइज भी मैटर करता है, तो उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हो। अभी गाइस मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो जब गाइस आप ट्रेनिंग के अंदर आते हो, तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर जाते हो और इसको स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पर अभी आपके सामने पुतले आते हैं, ठीक है? तो गाइस आपको इनको हेडशॉट मारना है, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक में बताया है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैं कैसे इनको हेडशॉट मार रहा हूँ। जब गाइस मैंने यहाँ पर बहुत देर प्रैक्टिस करी, एंड उसके बाद जब मैंने कस्टम खेले, तो उसके बाद गाइस मेरे वहां पर 100 में से 90 हेडशॉट लग रहे थे। तो गाइस आप इसको भी ट्राई करके देखना, 100% वर्किंग ट्रिक है। तो बस गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।